चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज 50 ओम एंड द करंट रिक्वायर्ड टू गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 100 माइक्रो एम्पियर। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर द रीडिंग अप टू 10 एम्पियर इट इज नेसेसरी टू पुट अ रेजिस्टेंस ऑफ। देखो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और वोल्टमीटर की तरह भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले सर्किट हम बनाते हैं, एक छोटा सा सर्किट। अक्सर कोशिश किया करो कि सर्किट बनाया करो, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना फिगर के आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती। ठीक है, यहाँ की लगा दिया, ये वोल्टमीटर, ये सेल है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी कंसिडर कर लिया। ये मीटर है, सीरीज में लगता है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमेशा वोल्टमीटर पैरेलल में लगता है इसके, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। अब हमको रिप्लेस करना है, अमीटर की जगह गैल्वेनोमीटर को लगाना है और गैल्वेनोमीटर को हमको एज अ अमीटर जो है यूज करना है। तो क्या करते हैं, अमीटर की जगह रिप्लेस करते हैं गैल्वेनोमीटर, और क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस का रेंज होता है जो है दिया हुआ क्वेश्चन में 50 ओम, जनरली होता है कितना, 10 to 100 ओम के बीच में होता है, 10 to 100 ओम के बीच में होता है, तो ये 50 ओम है। ठीक है, सही है। तो हमको एक शंट रेजिस्टेंस हमेशा लगाना होता है, याद रखना इस बात का। ठीक है, शंट रेजिस्टेंस हम लगाते हैं और उसको एज अ अमीटर की तरह ट्रीट करते हैं। देखो सर्किट मैंने कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक है, वोल्टमीटर पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं और ये शंट रेजिस्टेंस लो वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है, लो वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है। सेल से करंट निकली आई, इधर गई आई जी, तो बची हुई आई माइनस आई जी इधर चली जाएगी। दो पॉइंट है ए एंड बी, ये ऑलरेडी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, अगर गैल्वेनोमीटर से जा रहे हैं तो आई जी इंटू जी, जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और अगर आप इधर से जाते हो दूसरे शंट रेजिस्टेंस की तरफ से, तो कितना करंट होगा, आई माइनस आई जी और शंट रेजिस्टेंस एस, ये वैल्यू दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। यही शंट रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है, कितनी रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको यूज करना है, एस की वैल्यू, तो एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। देखो हमेशा ये याद रखना कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन जब भी टर्म यूज होगा वो आई जी है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 100 माइक्रो एम्पियर। तो एम्पियर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 10 to the power -6 एम्पियर हो जाएगा आई जी की वैल्यू, और आई की वैल्यू कितनी है, ये आई की वैल्यू है 10 एम्पियर, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 100 × 10 to the power -6 इंटू जी की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू 10 माइनस 100 × 10 to the power - ये मेरे पीछे आ जाएगा, ठीक है, 10 to the power - 6। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू इधर लिखते हैं वरना मेरे पीछे चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट करें, 1, 2, 3, 3 0 है, 10 to the power - 3 हो जाएगा इंटू 5, ये 30 से 10 to the power - 5 बन गया, ये कितना हो जाएगा, इसको आप लिख दो, ऐसे लिख दो, 10 है माइनस, इसको आप लिख सकते हो 10 - 10 to the power - 4। ठीक है, एस इज इक्वल टू, और थोड़ा सा और सॉल्व कर ले हम, आई मीन 10 to the power - 3 अपॉन 10 to the power - 4 है ना ये, इसको आप ऐसे लिख दो, 10 - 1 upon 10 to the power - 4, एलसीएम ले लो, 5 × 10 to the power - 3 अपॉन, ये हो जाएगा 10 to the power - 5 - 1 upon 10 to the power - 4, ये 10 to the power - 4 ऊपर चला जाएगा, इसको ऐसे ले सकते हैं, एस इज इक्वल टू 5 × 10 to the power - 3 × 10 to the power - 4 अपॉन 10 to the power - 5, 5 का मतलब 1 lakh, 1 lakh, ठीक है, माइनस 1, ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए, इसको 1 lakh ही कंसिडर करो, तो ये कितना हो जा रहा है, 5 × 10 to the power - 1 अपॉन, ये 1 lakh का मतलब 10 to the power - 5 है। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, 5 × 10 to the power - 4 आ जाएगा, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 10 to the power - 4, ठीक है, 5 × 10 to the power - 4, ये आपका शंट रेजिस्टेंस होगा और वो पैरेलल में लगता है, ऑब्वियस बात है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।